अस्सलाम। ज़्यादा नीचे नहीं हो गया? अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा इधर। वाह 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 वाह, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा ना करना, थोड़ा सा थोड़ा। अब मुझे लग रहा है बेहतरीन हो गया काम, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। ओए ओए, खलियाँ फटियाँ, कल वर्कआउट की है और वीडियो शुरू है, स्टार्ट तो नहीं हो गई। अच्छा जी यार, देखो बाहर बड़ा आला मौसम हो गया इस वक्त, ठीक है, हवा चल रही है, नेरी आ गई है, शापर उड़ने ने। तो बात यह है कि जब अच्छा मौसम हो ना तो एक अंदर ना एक फीलिंग क्रिएट होती है, पता नहीं कोई ना इस तरह करके ना बड़ी खुशी वाली, और बंदा कहता है यार चस आ गई, बंदा को बाहर निकले सड़क पे को दौड़े लगाना शुरू करते, लेकिन ये अप्रोप्रिएट थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल हम वीडियो पे फोकस करते हैं। तो अच्छा जी, आज हम डिस्कस करते हैं, हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू बिकम अ ब्लॉगर, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं, एक्सपैंड करते हैं कि देखें ये थोड़ा सा ना डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर यार, ज़्यादती है लड़कों के साथ ख़ास तौर पे। अब लड़कियां जो है वो तो इस तरह कोई हरकत करें, अगर वो मतलब जो फेक ब्लॉगर्स वाली होती हैं या दो नंबर वाली, मतलब सिर्फ आप अपनी तस्वीरें लगा दो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के DSLR से, पीछे बैकग्राउंड ब्लर करके, और बड़े ही प्रोफेशनल मॉडल, होममेड मॉडल नहीं होते जो बेसिकली आप कह लो इंस्टाग्राम मॉडल्स होते हैं घर बैठे बैठे, वो लड़कियों के लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो जब तस्वीरें लगाती हैं तो थड़की लौंडे इस तरह करते हुए आते हैं, पीछे फॉलो तो बहुत फॉलो, फिर वो दूसरे लोगों को सेंड भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये चेक करो लड़की, चेक करो ये वो, तो उनकी शेयरिंग भी हो जाती है, प्रमोशन भी हो जाती है, फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, प्रोवाइडेड उनको तुम हॉर्न बजा लो, नहीं तुम तुम दो हैं पागल ये, और चीखें भी साथ लोग मारना शुरू हो गए पाए। खैर उनका बड़ा फ़ायदा है प्रोवाइडेड कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुसन दिया हो, हुसन अगर आपको मिला हो तो आप, मैं कहता हूँ बल्कि हुसन अब तो ना भी हो यार, अब आपके पास मेकअप है, पहले आप मेकअप करो ठीक है, उसके बाद आप इंस्टाग्राम का एक फ़िल्टर लगाओ, फिर उसको पिक्चर को सेव करो, उसको फिर जब एक दफ़ा और उसके ऊपर फ़िल्टर लगाओ तो वो दफ़ा फ़िल्टर एक दफ़ा मेकअप तो खूबसूरती खुद ही आ जाएगी। ऊपर से हमें चिट्टा होने का वैसे ही बहुत शौक है, मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर तो हम बहुत लगे हुए हैं, लेकिन हमें जो है वो चिट्टा होने का बड़ा शौक है, फेस वॉश में भी वाइटनिंग, और पता नहीं जो क्रीम लगा रहे हैं वो भी वाइटनिंग, रात को सोते हुए भी वाइटनिंग, लीमू पता नहीं कानों में डाले हुए हैं, नहीं तुम लंघ जाओ पहला, कानों में लीमू डाले हुए हैं, आँखों पे खीरे रखे हुए हैं, सर पे पता नहीं कोई वो दही लगाया हुआ है, दुनिया जान की चीज़ें, चले सर की तो चले समझ आती है, मुँह पर जो चीज़ें लगाते हैं चिट्टा होने के लिए, तो समझ नहीं मुझे आ रही कि ब्लैक लाइव मैटर किधर गया। फिर खैर वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि देखिए लड़कियों के लिए तो आसान काम है, ठीक हो गया। अब बात आ गई लड़कों की, यार लड़कों के साथ जुल्म है यार, लड़के मतलब बहुत अगर प्यारे हों, क्योंकि लड़के अब मेकअप तो करते ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मुंह धोना होता है अपना, तो टॉवल उन्हें एक जो है उसको 100 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, तो इनके पास सिर्फ ये है कि ये कोई नेचुरली या तो प्यारे हों ठीक है, और अल्लाह ताला ने हुस्न दिया हो तो इनका काम चल सकता है, धंधा चल सकता है इनका, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इनका क्या होगा, फिर इनको करनी पड़ेगी मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी किसी कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक है। अगर आपने कोई फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी आप कर रहे हैं, आपने कुछ अपना आप दिखाना है कि आप किसी काबिल हैं, और अच्छी बात भी यही है कि आप अपने पैशन को लेके चलें, ना कि आप अपनी तस्वीरें तुन्नी जाएँ और मॉडल बन जाएँ घर बैठ, या तो आप प्रोफेशनल को मॉडल हैं तो बात की समझ आ रही, आप किसी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, या आप किसी जो है वो आपने को वॉक्स जो है वो क्या ना फैशन वॉक्स, रैंप वॉक्स जो भी होती हैं आप जो है वो करते हैं तो आपकी समझ आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे बन गए पब्लिक फिगर तो कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब फ़ायदा इस लिहाज से नहीं है कि आपने उसके अंदर अपनी कोई मेहनत नहीं की, आपने अपना कोई स्किल नहीं दिखाई, कोई टैलेंट आपका यूज़ नहीं हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, इस वजह से। और आप अपने आप को ब्लॉगर कही जा रहे हैं, ब्लॉगर का मतलब ये नहीं है मेरे भाई बहनों, ब्लॉगर का मतलब है कोई अपना यार आपको कोई आर्ट करनी आती है आप वो लेके आओ, अगर आप सिंगर हो आप म्यूजिशियन बन के आओ, ठीक है, आप कोई कॉमेडी करते हो आप कॉमेडियन बन के आओ, ठीक है, आप स्पोर्ट्स करते हो उसको परस्यू करो ऑन सोशल मीडिया टू, सिर्फ बोंगियाँ मत मारो। तो लड़कों के लिए भी लड़कों लड़कियों दोनों के लिए एडवाइस है कि अपने आप के ऊपर काम करें, अपने पैशन पे काम करें, ये इस तरह जो है ना शॉर्टकट्स जो लोग ढूंढते हैं ना वो कभी भी कामयाब नहीं होते, और हमें तो आजकल चाहिए शॉर्टकट्स, क्योंकि हम जो है वो घर बैठ के बस किंग बनना चाहते हैं, और देखिए मेहनत नहीं करेंगे तो ये देख रहे हैं कैसे बनेगा, मुझे आप खुद बताएं। तो ख्याल रखें अपना, वीडियो आज के लिए इतनी करते हैं हम, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप लोग कहेंगे गलना बोतियाँ कर रहे हैं, आप पे देगा कुछ नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह
क्या बताएं अब आपको। खैर वीडियो ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, होप इंशाल्लाह नहीं, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह और भी बनाते रहेंगे और हम बातें करते रहेंगे, और फीडबैक आप लोगों का चाहिए। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।